तो थोड़े दिन पहले मेरे बड़े भाई की शादी थी, तो शादी से पहले ना कुछ गीत होते ऐसा, वो तो उन बंदों के गीत खत्म नहीं होते, गीत ही नहीं खत्म होते, कुछ तो इन्होंने बना रखे कुछ है कहीं भी शुरू। ये लाइट बुझको ये तीन चार दिन जानटियाँ रखते अपने पास गीत गाने वाली परमानेंट, जहाँ इनको ढोल की चम्मच दिख जाए वहीं शुरू हो जाए, आगो 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 बन्नी को लेगो 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 लेगो, साथ में छोटे असिस्टेंट हो रहे हैं, तू लेगो लेगो आगो आगो लेगो लेगो आगो। तो हम गए लड़की वालों को देखने, उनकी मम्मी ने मेरी मम्मी को पहले ही डिस्क्लेमर दे दिया कि देखो इसको खाना बनाना, मेरी माँ ने सांस ली तो सही पर छोड़ी नहीं, बीच में अटक गए क्या। तो साथ में शो बढ़ाने की बात चल रही होती है, तो मेरी मम्मी ने कहा अरे क्या बात कर दी बहन जी, ये कोई टाइम है ये सब बात करने का, मैंने पूछा आपसे बच्ची को खाना आता है, दो परिवार मिल रहे हैं, संजोग का टाइम है, आप भी चल रहे हैं बीच में। अब आपने बात करी थी है ना बहन जी, तो मैं आपको सच सच बता दूं हमारे घर में तो खाना बनता ही नहीं है बहन जी, खाता ही नहीं है, डाइट ही नहीं बची हम लोगों में, मैं आधी रोटी खाती हूँ, इसके पापा एक रोटी खाते हैं और ये और इसका भाई तो हवा पे जिंदा रह लेते हैं, कोई काम ही नहीं है बहन जी, काम ही नहीं है। मैं काम नहीं है, हमें तो पूरी जिंदगी यही सुनाती रही मैं मर भी जाऊँ ना 10 जन्म भी ले लूँ तो भी इस घर का काम खत्म ना हो। तो अब मम्मी काम कर रही थी, बेचारा बूढ़ा औरत बूढ़ी औरत कितना ही ख्याल रख सकता है किचन में, मेरी मम्मी क्या खुली छूट रही, गैस खुली छूट रही, आए दिन गैस खुली छूट रही, मेरी भाभी ने टोक दिया मम्मी जी मरवाओगे क्या, मम्मी जी आप मरवाओगे क्या, मेरी माँ ने जो घूम के जवाब दिया कहती गैस भी तो उसी से खुली छूटेगी जो गैस पे काम करेगा, तुम भी तो गैस पे काम करने वाली बनो, मैं बुझाने वाली बनूंगी। तो अब अभी कभी नहीं याद मेरे को, मैं फिर भूल गया क्या था। हाँ तो अब मैं एक दिन ऐसे बैठा था मम्मी के पास, मैंने कहा मम्मी पीठ दर्द हो रही है, कहती अभी से, मैं कहा हाँ कभी भी हो सकती है, कहती बेटा तुम्हारे शरीरों में तो जान ही नहीं, तेरा हम तुम्हारे समय में कितना कितना काम करते थे पर कभी छू नहीं करे, पर कभी छू नहीं करे। तो तुम जरा सुनो तो ना मम्मी वो डिलीवरी वाले टाइम से इतनी सी बात की टेंशन, बेटा हम थे हमने सरकारी अस्पताल कितने धक्के खाए पर कभी चू नहीं, मैंने कहा तुम चू कर लो जी भर के चू कर लो, कमरे में जाओ चू कर लो, चू 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 पापा, मैंने कहा पापा 2 मिनट रुको मम्मी चू कर रही है, 1980 से 2000 में बोलते 23 साल की चू बाकी है। मेरी मम्मी ने मेरी भाई के सास को बोला कि देखो काम तो होता है नहीं बस हेल्प करा दे, जब तुम्हारी मम्मी बोले ना हेल्प तुम्हारे साथ बहुत बुरी होने वाली है, वो ना तुम्हें इंटर्न रख लेगी और इंटर्न से सबसे ज्यादा काम कराया जाता है। तीसरी बार बोल रहा हूँ क्या था वहाँ पता है इंटर्न से सबसे ज्यादा काम कराया जाता है वहाँ पता है ना, तो आगे क्या था बस नहीं यार अच्छी थोड़ी इंटर्न से सबसे ज्यादा काम कराया, तो मेरी भाभी भी घुस जा रही है मम्मी जी मेरी मम्मी ने डालिया कहती आओ बेटा जी लेट्स मीट द रियल मम्मी जी, हेल्प का दिन हो गया दाल बनी हुई है तड़का तुम लगाओ लेट्स डू सम हेल्प, मेरी भाभी से कहा जी मम्मी जी करती हूं भाभी ने घी डाला जीरा डाला, जैसे ही लाल मिर्च डाली ऐसी आंख के लफ्ते निकली है ना हमारी पीओपी चला दी पूरी की पूरी, ऐसे धुएं के बादल बने हैं जो मैंने लास्ट नागासाकी और हिरोशिमा के अटैक में देखे थे। थैंक यू एवरीवन।